अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सुहेब इकबाल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सुहेब इकबाल ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं थल डिज़र्ट रैली में। पांच थल डिज़र्ट रैली का जो है आज आखिरी रोज़ था। तीन रोज़ की बात करें तो तीन रोज़ में जो है वो स्टार्ट कैटेगरी की पेड कैटेगरी की वुमेन ने भी जो है वो रेस लगाई। इसके साथ साथ जो है अगर बाइक रेसर्स की बात करें तो बाइक रेसर भी पहली दफ़ा जो थल जीप रैली है उसमें शरीक हुए हैं। इस वक्त अगर हम मौजूद हैं छांगा मांगा टीला है ये थल के अंदर, यहाँ से रेस का स्टार्ट हुई। रेस जो है वो तीन दिन यहीं से स्टार्ट होती रही और यहाँ से लैया के अंदर एक मकाम है चुबारा, वहाँ तक जो है वो जाती रही है। इस वक्त मेले का समा है, छुट्टी का रोज़ भी है, तो शहरियों की बड़ी तादाद जो है इस वक्त थल आई हुई है, रैली इंजॉय कर रही है। रैली की बात करें तो आज प्रीपेड कैटेगरीज के मुकाबले हुए। मुकाबलों की बात करें तो 24 गाड़ियां जो हैं वो ट्रैक पर दौड़ी और इसमें जो है वो नामवर रेसर जो है वो भी इसमें शरीक हुए, जिनमें साहबजादा सुल्तान, फैसल खान, शादी खेल, उसके अलावा जैन और टाइटल का जो है वो दिखा किया आसिफ जो है वो फजल चौधरी ने। ट्रैक की बात करें तो 105 किलोमीटर का ट्रैक रखा गया था। पिछला साल की बात करें तो पिछला साल जो ये ट्रैक था वो 210 किलोमीटर का था। कोरोना की वजह से ये ट्रैक जो है वो छोटा रखा गया है। हमारी रेसर्स से बात हुई थी, वो काफ़ी मुतमिन नज़र आ रहे थे। उनका ये कहना था कि ट्रैक तो टफ है लेकिन उनकी तैयारी अच्छी है। वो पिछले चंद सालों से जो है इस ट्रैक पर जो है वो अपनी गाड़ियाँ दौड़ा रहे हैं। अगर ख़वातीन की बात करें तो ख़वातीन की कैटेगरी में जो है वो सलमा बरवत ने जो है वो मैदान मार लिया, वो पहले नंबर पर जो है वो पहुँची। अगर स्टॉक कैटेगरी की बात करें तो स्टॉक कैटेगरी में जो है वो तैमूर अहमद ने जो है वो मैदान मारा था। इसी तरह आज की बात करें तो आज जो है वो बड़े बड़े रेसर जो है उन्होंने जो रेस में है वो हिस्सा लिया। ख़ास तौर पर इस दफ़ा जो है वो पहली दफ़ा मोटर बाइक रैली का भी जो है वो खसूसी तौर पर एहतमाम किया गया। मोइन खान, जिन्होंने चोलिस्तान जीप रैली में हिस्सा लिया था, वो भी यहाँ आए और उन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया। रेसर्स का जो है वो पहली दफ़ा जो है वो 2.5 किलोमीटर का ट्रैक जो है वो बनाया गया है। इस बार भी जो है वो मोइन खान जो है वो सबसे आगे रहे। इसी तरह अगर पूरे ट्रैक की बात करें, तीन रोज़ की बात करें तो एक मेले का सामान जो है वो रखा गया। शहरियों से बात हुई तो शहरियों का यही कहना था कि इस तरह की वो ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। ये एक जो एरिया है थल का एरिया है, ये साइड लाइन था, लेकिन 5 साल से यहाँ भी TDCP की जानिब से जो है वो इनाकात किया जा रहा है। रेसिस का इनाकात किया जा रहा है, जीप रैली का इनाकात किया जा रहा है, इस बार मोटर बाइक रैली का भी इनाकात किया गया है। इसमें भी झल मक्सी और चोलिस्तान जीप रैली की तरह बड़े नामवर जो रेसर हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। इंतज़ामिया से बात हुई, इंतज़ामिया का ये कहना है कि हर बार की तरह इस दफ़ा भी जो इंतजाम हैं वो बेहतर किए हैं, ताकि लोग जो है वो दूर दूर से आए इस रैली को जो है वो अब इस वीडियो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में जो है वो देखी जाएगी। तो बैरून ममालिक भी जो है इस थल जीप रैली है इसकी काफ़ी गूंज है। लोग जो है वो बड़े खुश हैं कि इस तरह की जो पॉजिटिव एक्टिविटी है वो होनी चाहिए, ताकि जो है वो भरपूर तरीके से जो है इंजॉय कर सकें।